हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मिक्स प्रोपोर्शंस। ओके, अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट इंजीनियरिंग रैंक्स, मिक्स प्रोपोर्शन में कई लोगों ने बोला सर अभी आप कभी लाइक बात कर रहे तो जैसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि M10 या M15, तो आप पूछते हो और यार M15 का क्या होगा, इस तरीके से बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताने की सोची कि इस तरीके से कि आप मिक्स प्रोपोर्शन को एक साथ कैसे याद कर सको। वो ट्रिक बहुत ही इजी है और अगर आपने किया तो आप बहुत इजीली पूरा का पूरा मिक्स प्रोपोर्शन याद कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि M5 से मिक्स प्रोपोर्शन स्टार्ट होता है और उसके बाद कहाँ तक मिक्स प्रोपोर्शन जाता है, M80 तक जाता है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपको मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में। मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे कि एक होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट, क्या होता है एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनरी कंक्रीट M5 से स्टार्ट होता है। M5 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, M20 तक जाता है। उसके बाद M25 से लेके M55 तक क्या होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। और M55 के बाद मतलब M62 M80 तक क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ मिक्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो वैसे अगर आपको जनरल देखते हैं, अगर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग M25 तक जनरली यूज करते हैं। इसके बाद आगे M25 के आगे मींस M30 या M35 वो हमको बनाना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्स प्रोपोर्शन कहाँ तक हम याद कर सकते हैं और इजिली हम बता सकते हैं और उसके आगे कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं पार्ट टू आपका लेके आऊँगा। और अगर आप इसको लाइक करते हैं, 100 लाइक्स चाहिए मुझे, 100 लाइक अगर आता है तो मैं पार्ट टू बनाऊंगा कि मिक्स प्रोपोर्शन बनाते कैसे हैं और उसमें कौन कौन से एडमिशन कैसे याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन कैसे याद करेंगे। दोस्तों, आपको सिर्फ एक मिक्स प्रोपोर्शन याद करना है, M5। क्या होता है ये, 1:5:10। ओके, अब आपको पता है अच्छे से क्या है M, क्या है ओ सॉरी 1 क्या है, सीमेंट है। 5 क्या है, सैंड, जिसको आप फाइन एग्रीगेट बोलते हो। और एक इसके बाद क्या है, 10 क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, जिसको आप लोग एग्रीगेट बोलते हो। तो आप देखिए, जैसे M5 का आपने याद कर लिया 1:5:10, तो आप देखिए नेक्स्ट क्या आता है, M7:5। तो दोस्तों यहां पे आपको 1 का 1 लिखना है और 5 का 4 कर देना है और 4 के यहां पे 10 का क्या कर देना है, 8 कर देना है। देखिए इजी था ना, 1 5 का 4 कर दिया और 10 का 8 कर दिया। केवल इसमें 2 माइनस किया, इसमें 2 माइनस किया, इसमें 1, इसमें 0 माइनस, ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है आपका M10। M10 का क्या होता है, 1:3:6। 1:3:6। अब देखिए कैसे हुआ, 1 1 4 का 3 हो गया और 8 का क्या हो गया, 6 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पे M15। अब M15 का क्या होता है, 1 2 4। 3 का क्या हो गया, 2 हो गया, और 6 का क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे से लगे हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहाँ पे, M20 में। M20 में क्या ट्विस्ट आता है, यहाँ पे होता है 1 1.5 3। 1 1.5 3। और इसके बाद वाला तो बहुत ही आसान है, M25 कितना होता है, 1 1 2। तो आप 1 1 2 ऐसे करके याद कर सकते हैं आपकी 1 1 2। मैंने तो M15 को कैसे याद किया, 1 2 का 4। तो आप भी ऐसे करके अपना एक ट्रिक बनाइए जिससे कि आप इजीली मिक्स प्रोपोर्शन बता सके, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे मिक्स प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब जैसे कि हम लोग अगर एस्टिमेशन की बात करें, तो एस्टिमेशन अगर करना है तो एस्टिमेशन करते टाइम हमको मिक्स प्रोपोर्शन तो लगेगा ना। तो मिक्स प्रोपोर्शन अगर हमको याद है तो हम लोग इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या आपको एस्टिमेशन का भी वीडियो चाहिए कि हम लोग एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो बताइएगा, आपको मैं एस्टिमेट करके भी एक वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डेंसिटीज को याद कर सकते हैं। डेंसिटीज को आप लोग सीरीज से याद करिए तो आपको बेटर होगा। देखिए, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी शायद पहले भी डिस्कस किया है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी याद करना है तो डेंसिटी को आप रेंज में याद करिए। रेंज में कैसे, रेंज में याद करेंगे और सीरीज से याद करिए। सीरीज इन द सेंस, चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे याद कर लें सीमेंट का, ठीक है। अब सीमेंट का ध्यान आते ही सीमेंट में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उनके बारे में भी आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो उसके लिए बनाऊं कि सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं। वैसे सीमेंट की जो डेंसिटी होती है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg per meter cube।
मज़ा तब आता है जब आपसे पूछ लिया जाता है किलो न्यूटन में बताओ, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना यार, सिर्फ यहाँ पे और 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इजी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट डेंसिटी हमको देखनी चाहिए वो है सैंड की। अब सैंड में देखो यार, सैंड का एक रेंज है, क्यों? क्योंकि सैंड जो होता है, एक क्रशिंग सैंड हो सकती है, एक रिवर सैंड होती है, एक सी सैंड हो सकती है, तो कौन सी सैंड है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको सैंड का फिक्स नहीं, आपको सैंड का कैसे डेंसिटी याद करना है, 1600 टू 1800 केजी पर मीटर क्यूब, 16 to 18। अब जिस तरह की सैंड है उस तरह की सैंड के लिए वो से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो अपने डेंसिटीज को। अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी बात है, सब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टील। अब स्टील मतलब स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850 व्हाट 7850 क्या केजी पर मीटर क्यूब, और इफ एनीवन आस्क इन किलो न्यूटन 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो आपको सीमेंट स्टील भी पता चल गया। इसके बाद और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आरसीसी, आरसीसी सबको पता होना चाहिए, आरसीसी रन फॉर सीमेंट कंक्रीट। ये क्या होता है, इसका डेंसिटी कितना होता है, इसकी डेंसिटी होती है 2500 केजी पर मीटर क्यूब और 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप कंफ्यूजन होते हो, पीसीसी। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी आप आरसीसी को पीसीसी का आंसर बता दो, पीसीसी का आरसीसी का, तो आपको पता होना चाहिए पीसीसी का क्या होता है, 2400 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटीज हैं, इसके अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट डेंसिटीज हैं, लेकिन जो हमें यूज में आएगी सिविल इंडस्ट्री में इतनी तो आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आ रहा है वो एस्टिमेशन से रिलेटेड आ रहा है, तो एस्टिमेशन में मुझे सैंड लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो इसकी हमको डेंसिटीज पता होना चाहिए। किस तरीके से करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एस्टिमेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मींस आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग बहुत ही जल्दी आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से करेंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं यार, एक अगर आप वॉच करते हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करो, सो दैट कि मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो और मुझे लगता है ओके नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये होना चाहिए, और टॉपिक आप लोग ही बताते हो, जैसे कि कई दोस्तों ने मुझे सेसमी के लिए बोला था, मैंने सेसमी किया। आप जो भी आप टॉपिक बोलोगे हम उन्हीं टॉपिक को टारगेट करते हुए आगे के वीडियोज़ को बनाते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर दो, आप कौन सा टॉपिक पढ़ते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका प्रोजेक्ट रखने वाले हो आप किसी टॉपिक को, उस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे कि ग्रीन एनर्जी के बारे में क्या होता है, जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होती है, ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, ऐसे टॉपिक्स मुझे आ रहे हैं, तो मैं ऐसे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से जीरो एनर्जी बिल्डिंग काम करती है, किस तरीके से ग्रीन कंक्रीट काम करता है, या आपके जो भी टॉपिक्स आप सोच रहे हो, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कमेंट जरूर करो, और मेरे लेक्चर्स में आपको आगे क्या देखना है इसके बारे में भी जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज।